जब से लिथुआनिया में नाटो की 2 दिन की एक बड़ी बैठक हुई है, तब से रूस और ज्यादा तिलमिला गया है और वो बार बार यूक्रेन और पश्चिमी देशों को इसके नतीजे भुगतने की धमकी दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच अब ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे यूक्रेन के भीतर रूसी सेना की खामियां उजागर हो रही हैं। रूस ने अपनी जनता से छिपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल रूस ने सेना के एक बड़े जनरल को बर्खास्त कर दिया है। रूस ने मेजर जनरल इवान पोपोव को सेना से बर्खास्त कर दिया है। पोपोव वही जनरल हैं जो ज़ापोरिजिया के आसपास की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे और जनरल पोपोव ने ही यहां पर रूसी सेना के आसपास तोपखाने की कमी और खराब सैन्य जानकारी की आलोचना की थी। उन्होंने टेलीग्राम पर एक वॉइस नोट पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि या तो चुप रहना और कायर बनना जरूरी था या जैसा है वैसा ही कहना। दरअसल जनरल पोपोव को रूसी सेना के सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल वारेली गिरोसिमोव ने सेना से बर्खास्त किया है। उन्होंने जनरल पोपोव पर आरोप लगाया कि वो भयभीतता और ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि रूस का अपने एक बड़े जनरल को हटाना एक बड़ा झटका माना जा रहा है और रूस की इस कार्रवाई को उसकी बौखलाहट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि नाटो देश अब यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने जा रहे हैं। पर F-16 को लेकर कहा जाता है कि उससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। यही वजह थी कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव है कि यूक्रेन की सेना के पास इस तरह के हथियार आना पश्चिम की तरफ से परमाणु धमकी है। रूस इन हथियारों की परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है।